ब्राउन चने के छोला बना के तैयार कर लिए। आप मिर्ची लें, नींबू रखें, प्याज रखें, इस तरह से एंजॉय करें। वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं छोले चावल बनाऊंगी। छोले बनाऊंगी, ये ब्राउन चना है, आप देख सकते हैं। इसे हम भिगा दिए थे, अंकुरित हो गया है। अंकुरित चने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम चावल ले लिए हैं। आप अपने घर में जो चावल यूज करते हो वही चावल बना सकते हैं। इस चावल को हम 2-3 बार पानी से साफ करके और भिगा दिए 15 मिनट के लिए। इसका पानी पहले हम निकाल दे रहे हैं। चावल हम इसमें डाल लेंगे। इस कटोरी से 1 कटोरी चावल था और इसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे। चावल बढ़िया बनेगा। 2 कटोरी पानी हो गया। आधा चम्मच घी डाल देना, घी जमा हुआ है। घी से चावल जो है बहुत खिला खिला बनता है। आप तेल भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच तेल डाल दें इसमें अगर पसंद करते हो तो। घी की जगह तेल डाल दें। जो चना भिगा कर रखे थे कुकर में डाल देंगे और पानी डाल देंगे चने के बराबर। चना डूबना चाहिए पानी में, डूबा होना चाहिए। और इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे और चना में पानी इतना डालें कि चना डूबा होना चाहिए। 3 सीटी आते तक पका लेंगे। गैस हम ऑन कर दिए। इधर चना रख दिए, इधर चावल रख दिए। चावल में जब थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा एकदम स्लो गैस करके इसे ढक देंगे। इसे 3 सीटी तक पकाएंगे। इसकी सीटी अपने आप प्रेशर खत्म होने देंगे तब कुकर खोलेंगे। चने के छोले बनाने के लिए 4 टमाटर, 1 प्याज, 1 आलू ले लिए हैं। इससे अच्छा टेस्ट भी आता है और थोड़ा सा थिकनेस हो जाता है छोले में। और उसके आगे हम बताएंगे, पहले इन टमाटर को छोटा छोटा काट के पेस्ट बनाएंगे। जैसे हमें मिक्सी के जार में पीसना है इसलिए 1 टमाटर में 4 टुकड़ा कर देंगे बस। एक मिक्सी की जार ले लिए, कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। पहले हम टमाटर आलू प्याज सब धो लिए थे अच्छी तरह से। अब ये 2 हरी मिर्ची है इसे तोड़ के डाल देंगे। और ये लहसुन है और ये अदरक, इसके साथ ही हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट हम तैयार कर लिए, अदरक लहसुन हरी मिर्ची डालकर। और आलू हम आपको दिखाना भूल गए, आलू हम कुकर में डाल दिए हैं, चने के साथ उबल जाएगी। प्याज को हम बारीक काट लेंगे। चने बनाने के लिए मैं कुछ खड़े मसाले ले ली हूँ, जैसे दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 5-6 दाने काली मिर्च, 4-5 लौंग, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, जीरा भी आधा छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी है थोड़ी सी और तेल। चना भी हमारा पक गया, इसमें हम पलट लेंगे। चना एकदम पक के नरम हो गया, एक दबा के देख लेते हैं। अब हम बनाएंगे। चावल भी हमारा पक गया अच्छी तरह से, इसको हम इसमें निकाल लेंगे। ऐसे चावल को हम थोड़ा खोल दे रहे हैं ताकि चिपके ना, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तेल डाल देंगे, ये सरसों का तेल है। सब्जी तो सरसों के तेल में अच्छी लगती है। गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया, जीरा डाल देते हैं, खड़े मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और 1 काली मिर्च, लौंग डाल दे रहे हैं, 2 लाल मिर्ची डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा पकाएंगे, गैस मीडियम कर रहे हैं ताकि मसाले जले ना। मसाले पक गए, बड़ी इलायची खोल के डालें, हम भूल गए। करी पत्ते डाल के इसी में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी पक गई, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर के प्यूरी जो बनाए थे। इस वक्त गैस थोड़ा तेज कर लेंगे। और ये धनिया पाउडर,
हल्दी पाउडर और ये कसूरी मेथी है, ये इसे थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी कैसे बनती है घर पे उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसकी मसाले की भुनाई करेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे तभी टेस्ट आएगा, चाहे छोला हो या राजमा हो। बहुत बढ़िया से भूनेंगे इसे जब तक ये तेल न छोड़ दे। इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक आप ध्यान से डालें। नमक हम चना उबालते समय भी डाले थे। इस तरह से आप छोला चावल बनाएं घर में बैठकर, अच्छा टेस्ट भी आएगा। अभी बाहर जाने का तो कोई मौका ही नहीं है। अच्छी तरह से भुन गया, जितना ही मसाला भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत बढ़िया से मसाला भुन गया हमारा। आलू डाल देंगे, थोड़ा सा भून ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मसाला इतना पक गया है, कढ़ाई का तला छोड़ दे रहा है। अब इसमें हम ये चना डाल देंगे, ये जो उबाल के रखे थे, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। मसाला पका हुआ है, चना पका हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें हमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च भी डाली हूँ, हरी मिर्च भी डाली हूँ, अमचूर पाउडर है, गरम मसाला मिक्स कर ले रहे हैं। चने की सब्जी में पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ठीक चाहें। इसको हम 5 मिनट के लिए गैस मीडियम करके ढक दे रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम बढ़िया बन गया है। कितना पानी ठीक है इसमें, अगर आप और ठीक करना चाहते हैं पानी कम डालें। गैस ऑफ कर दे रहे हैं। इसमें हरी धनिया डाल दे रहे हैं और मिक्स कर दे रहे हैं। छोला भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया हल्का सा। अब हम चावल निकाल लेंगे इसमें। सब्जी भी रख ले रहे हैं। ब्राउन चने के छोला बना के तैयार कर लिए। आप मिर्ची लें, नींबू रखें, प्याज रखें, इस तरह से एंजॉय करें। प्याज नींबू हरी मिर्ची रख दिए। इस तरह से आप ज़रूर एक बार बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी अपील है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो मैं कोई भी नई रेसिपी डालूंगी आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच जाएगी।